नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक इजिप्शियन बॉडी बिल्डर मोहम्मद मकावे के बारे में। सो रिसेंटली मैंने डैनी पडिला के ऊपर वीडियो बनाया था। डैनी पडिला भी एक काफी शॉर्ट हाइटेड और शॉर्ट वेटेड बॉडी बिल्डर थे। उनकी हाइट सिर्फ 5'2" थी और उनका वेट 165 पाउंड्स था। मोहम्मद मकावे भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उनका भी स्टेज वेट अराउंड 165 पाउंड्स से लेकर 170 पाउंड्स के आसपास था और उनकी हाइट थी सिर्फ 5'4". लेकिन एक इम्प्रेसिव बात यह है कि मोहम्मद मकावे ने काफी सारे मास मॉन्स्टर को और जो उनसे साइज में बड़े हैं उनको ऑन स्टेज बीट किया है। काफी अंडररेटेड बॉडी बिल्डर है। यूट्यूब के ऊपर आपको काफी कम चैनल्स मिलेंगे जो मोहम्मद मकावे और ऐसे फॉरगॉटन बॉडी बिल्डर्स के ऊपर बात करते हैं। सो आज आपको मैं पूरा हिंदी में समझाऊंगा कि मोहम्मद मकावे का एंट्री कैसे हुआ बॉडी बिल्डिंग में और कैसे उन्होंने एक इम्प्रेसिव बॉडी बिल्डिंग करियर बनाया। सो मोहम्मद मकावे एक इजिप्शियन बॉडी बिल्डर है, इजिप्ट से बिलोंग करते थे जो मिडल ईस्ट में आता है। वो इनिशियली उनका फोकस बॉडी बिल्डिंग में नहीं था, उनका पूरा फोकस वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में था। सो उन्होंने अपना करियर 1969 में शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने मिडल वेट कैटेगरी में कम्पीट करना शुरू किया। सो उनका सबसे पहला कॉम्पिटिशन था 1969 का जूनियर मिडल वेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। उन्होंने उसमें एक रिकॉर्ड पावर क्लीन बनाया। उसका वेट था 135 किलोग्राम्स जो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स के आसपास और उनका रिकॉर्ड स्नैच था 110 किलोग्राम्स जो इक्विवेलेंट है 270 से लेकर 275 पाउंड्स के आसपास। सो बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो उन्होंने लोकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे कॉम्पीट करना शुरू किया क्योंकि उनके पास काफी अच्छे एस्थेटिक्स थे। स्टार्टिंग में उन्होंने लोकल कॉम्पिटिशन्स को जीतना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने मिस्टर मेडिटेरियन कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया। मिस्टर मेडिटेरियन कॉम्पिटिशन उन्होंने टोटल 3 टाइम जीता है। उसके बाद उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया 1976 में। उसमें उन्होंने शॉर्ट वेट डिवीजन में वो टाइटल जीत लिया मिस्टर यूनिवर्स 1976 जिसमें उनका वेट था 153 पाउंड्स। सो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद मकावे का कद काफी छोटा है, काफी छोटी हाइट है, काफी कम बॉडी वेट लेके आते हैं। ऑलमोस्ट 153 पाउंड्स आज के बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में काफी कम मनी आएगी, लेकिन जिस तरीके से एस्थेटिक्स और मास का फ्लो लेके आते थे उन्होंने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को ऑन स्टेज बीट किया है। आप लोग में से कई ऐसे होंगे जो ली हेनी को जानते होंगे क्योंकि ली हेनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं। सो काफी फेमस बॉडी बिल्डर है, लेकिन काफी लोगों को यह नहीं पता है कि मोहम्मद मकावे ने ली हेनी को ऑन स्टेज बीट किया है। सो मोहम्मद मकावे और ली हेनी इन्होंने टोटल एक साथ 8 कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया और उन 8 कॉम्पिटिशन में से मोहम्मद मकावे ने ली हेनी को टोटल 5 टाइम्स बीट किया था। सो आप देख सकते हैं कि कितनी इंप्रेसिव कंडीशनिंग लाया करते थे मोहम्मद मकावे, क्योंकि ली हेनी को बीट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ली हेनी काफी इंप्रेसिव बॉडी बिल्डर थे। अगर 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं ली हेनी, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की फिजिक ली हेनी लाया करते थे। और उसमें भी मोहम्मद मकावे, जिनका हाइट सिर्फ 5'4" है, स्टेज वेट सिर्फ 153 पाउंड्स है, फिर भी उन्होंने टोटल 5 टाइम्स ली हेनी को ऑन स्टेज बीट किया है। सो ये काफी इंप्रेसिव बात है। सो मोहम्मद मकावे ने टोटल IFBB के 29 कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया और उसमें टोटल 6 बार IFBB के प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन जीते हैं। सो टोटल 6 IFBB प्रो विंस है मोहम्मद मकावे के पास। उसमें से हैंडफुल ऑफ जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जो इवेंट होता है ओवरसीज में, आप जानते हैं कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऐसे कई जगहों पर ग्रैंड प्रिक्स का इवेंट हुआ करता था, तो उसमें भी उन्होंने कई बार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट्स जीते हैं। मिस्टर ओलंपिया प्लेसिंग्स की बात करें तो मिस्टर ओलंपिया की भी काफी इंप्रेसिव प्लेसिंग्स है। 1985 में उनकी प्लेसिंग आई थी 4th मिस्टर ओलंपिया में। मिस्टर ओलंपिया 1984 में उनकी प्लेसिंग आई 2nd। 1983 के मिस्टर ओलंपिया में फिर से वो 2nd प्लेस हुए थे। 1982 के मिस्टर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग आई थी 7th और 1986 के मिस्टर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग आई थी 6th। सो आप देख सकते हैं कि इतने इंप्रेसिव बॉडी बिल्डर थे कि टॉप 7 में हमेशा फिनिश हुए थे 1982 से लेकर 1986 तक, और उसमें भी 1983 और 1984 यानी कि 2 टाइम रनर अप रह चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के कॉम्पिटिशन में। लेकिन फिर भी मोहम्मद मकावे के बारे में आज काफ़ी कम बात की जाती है। काफ़ी कम ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसे एस्थेटिक्स और फॉरगॉटन और अंडररेटेड बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात नहीं करते। सो आज मैंने आपको मोहम्मद मकावे के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि मैं पर्सनली इस फिजिक को काफ़ी पसंद करता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्योर क्लास, मैथ्स और एस्थेटिक्स का एक वेल प्रपोर्शन और वेल बैलेंस्ड बॉडी बिल्डर थे मोहम्मद मकावे।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर ऐसे ही अंडररेटेड और फॉरगॉटन बॉडी बिल्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्लस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में भी कॉन्स्टेंटली बात करते रहता हूँ। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोज देखने हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करना होगा, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलना। काफी लोग सब्सक्राइब अकाउंट क्लिक कर रहे हैं लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबा रहे हैं, YouTube अब तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगा अगर आप बेल आइकॉन क्लिक नहीं कर पाएंगे तो। सो प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।